असलामुअलैकुम इखलास जी बेटे, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4 है आज हमारा। सवाल नंबर 3 देखिए, आप सर में एक हज़ार सीधा दरख्त की मिसाल थे, हत अबूजर गफारी को क्या क्या बात जहन नशीन कराई। देखें जी, इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा, पेज नंबर 34 से। हत अबूजर गफारी जिस तरह बयान करते हैं कि सुरम सर्दियों के मौसम में एक दिन कहीं बाहर तशरीफ ले जा रहे थे, मौसम हज़ार की वजह से दरख्तों के पत्ते टहनी से खुदबू झाड़ रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की दो शाखें पकड़ी, पकड़ नहीं और इन्हें हिलाया तो पत्ते तेज़ी से झड़ने लगे। रसूल सल्लम ने मुझे मुहातिब करके फरमाया, अबू ज़र मैंने कहा हाजिर हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया, जब एक मुसलमान हालिस अल्लाह की रजा के लिए नमाज अदा करता है तो उसके गुनाह यूँ झड़ जाते हैं जिससे इस तरह से ये पत्ते झड़ रहे हैं। ठीक हो गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखें, यतीम की कफालत और सात मुसलमान मिसालें बयान करें। तो देखें जी, इसका आंसर ये रसूल सल्लम ने एक सीधी लकीर खींची, यहाँ से लेके सच्चाई वाजिया फरमा दी यहाँ तक, और बाद में फिर मैं और यतीम की हिफाजत करने वाला जन्नत में इस तरह करीब करीब होंगे जिस तरह ये दो उंगलियाँ एक दूसरे के करीब हैं। कौन मुसलमान होगा जो ये आरजू ना करेगा किसी जन्नत में मिल जाए और जगह भी रसूल सल्लम के कदमों में नसीब हो। ठीक हो गया बेटा, ये दोनों क्वेश्चन हैं, दोनों याद करने अच्छे से। और सवाल नंबर